आप देख पाओगे ये हाई गया, ये लो गया, ये हाई गया, ये लो गया। Somehow I woke up out in Beverly, fucked up, smelling like that bourbon. How'd I end up alone? I'm not certain. Yeah, the girls impolite in the club every night. हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अमन, आप देख रहे हैं कार म्यूटर्स। आज मैं हो गए इन काउंटिंग कार्स पे। ये रहती है भाई अपनी टीम, यहाँ खान साहब हैं, यहाँ भाई अपने शिवम भाई है। शिवम भाई क्या करा आज की गाड़ी में? हमने प्रॉब्लम लगाया, हमने प्रोजेक्टर लगाया। मतलब क्या रीजन रहता है भाई इस गाड़ी के अंदर प्रोजेक्टर लगाने का? सर इसका लें तो उसको बढ़ी जाएगा इसका स्पीड वो है ना। उसके बाद भैया का डिमांड था कि मुझे ये लगवाना है, तो हमने ये तैयार किया हमने। ठीक है, ये मतलब खोल के लगानी पड़ती है। ये है वैसे बता दूं भाई आपको टॉप मॉडल अपनी क्रेटा के अंदर, जिसका प्रूफ आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले अपनी ग्रिल जो सिल्वर वाली आती है, फिर ट्रायो हेडलैम्प, और साथ में अपना जो साइड के अपने जो अलॉयज आते हैं वो हो गए। यहाँ पे आप देख पाओगे क्रोम हैंडल है जो कि कंपनी के हैं। अगर चिपकने वाले होते हैं तो बैक साइड पे क्रोम नहीं होता उसके अंदर। साथ में अपने ऑटो फोल्डिंग भी, और अंदर भी जाऊंगा तो आप लोगों को दिखा दूंगा। इसमें जो चीज़ इंस्टॉल करी गई है वो अपने फॉग लाइट, जिसके फॉग लाइट के अंदर आप लोगों को IPH प्रोजेक्टर नज़र में आएगा। ये IPH प्रोजेक्टर लगाने का रीज़न ये होता है कि जो नॉर्मल इसकी बीम है ना वो उतनी ज़्यादा कह सकते हैं अच्छी नहीं है, तो इससे क्या होता है कि बीम जो है अपनी पूरी स्ट्रेट जाएगी। आप लोगों को आज की वीडियो में बीम भी देखने के लिए मिलेगी। अभी एज ऑफ नाउ कि ये भी बंद है अपना, IPH इसके अंदर लगाना पड़ता है, जिसको फॉग लाइट है खोलनी पड़ती है। तो इसके अंदर हमने IPH लगाया जो नॉर्मल गाड़ी में हम फॉग लाइट में लगाते हैं। भाई IPH वही वाला IPH है जो मारुति की गाड़ियों में लगाया जाता है। तो इसके अंदर HID भी लगाया है। HID भाई कौन सी रहती है अपनी? HID जिमर की 4300 केल्विन। अच्छा 4300 केल्विन, यानी कि येलो कलर आएगी इसके अंदर से। और जो ये है अपनी क्या कहते हैं जो IPH है, ये IPH वही है जो फॉग लाइट में लगती है? ये 3 इंची वाला वही है। एक IPH आता है जो हेडलाइट में भी लगता है जी। तो ये वो है कि कौन सा है? नहीं ये दूसरा वाला है, ये जो फॉग लाइट में लगाते हैं मारुति की स्विफ्ट, ब्रिजा, बलिनो, अर्टिगा सब में। हाँ तो ये वो वाली है जिसके अंदर जो इंस्टॉल करी गई है, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा जब ये चालू हो जाएगी। अभी जो फिटिंग है वो ऐसी रहती है, यहाँ पे एयर डक्ट है इसके, और यहाँ जो है पूरी इंस्टॉलेशन हो गई है। यहाँ जो है लास्ट के स्क्रू टाइट हो रहे हैं, यहाँ से जो है बम्पर अपना पैक हो चुका है। आपको अंदर की तरफ से दिखाता हूँ कि जो मॉडल है वो ऑलरेडी ऊपर का वेरिएंट है, ऐसा नहीं है कि बेस वेरिएंट के अंदर। वैसे संजीत एक बात बता दे, ये वाली फॉग लाइट जो है ये अपना बेस वेरिएंट में आ जाएगी? बेस वेरिएंट आ जाएगी, कोई सा वेरिएंट ले आओ सब में लग जाएगी। भैया का रोशनी कम लग रहा था, टॉप मॉडल का हेडलाइट था। ठीक है, भैया बोला मेरे को येलो सेट चाहिए थोड़ी पीली टाइप में। ठीक है, फोकस अच्छा हो जो फोग कटे। मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि ये फॉग लाइट सिर्फ इसमें लगा दी इसी में चलेगी? सारे वेरिएंट में चलेगी, प्रॉपर काम करके देंगे इसी फॉग लाइट के अंदर। सारे फॉग लाइट मतलब सारी वेरिएंट में, जैसे ये फॉग लाइट है ये ई से लेके ई मॉडल आ, ईएक्स में एग्जीक्यूटिव लाओ, टॉप मॉडल आ, सब में लग जाएगी। ठीक है, तो ये सब में लग जाएगी। अब मैं आपको ले चलता हूँ अंदर, तो यहाँ देख पाओगे कि क्रोम हैंडल ये जो है बेस वेरिएंट में भाई कर सकते हैं? हाँ बेस वेरिएंट में कर सकते हैं। ठीक है, ये जो है एम्बिएंट लाइट ये भी आप लोग कर सकते हैं। SX का स्टीरियो मैंने आपको एक अलग वीडियो में दिखाऊंगा, वो हमने लगाया था गाड़ी के अंदर, बट अभी स्टॉक है हमारे पास, स्टॉक नहीं है, अभी ऑर्डर पे आपको मिलेगा एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो वो चीज रहती है अपने बोस के सिस्टम के लिए। बाकी आप अगर इसका ऑडोमीटर देखोगे तो आप लोग जान पाओगे कि ये जो है ऑलरेडी मॉडल टॉप है। एक चीज और भाई, ये जो अपना ऑडोमीटर स्पीडोमीटर है कुछ भी कह लो, ये बेस वेरिएंट में इंस्टॉल हो सकता है? नहीं, नहीं, नहीं हो पाएगा ना ये? बाकी सारी चीजें कर सकते हैं, बाकी जितना भी काम है सारा सारे कर सकते हैं। इसमें जो ये नीचे का रनिंग बोर्ड है सिल्वर वाला, ये भी मिल जाएगा, मिल जाएगा भाई। क्या रेट रहता है भाई, थोड़ा सा कॉस्टिंग का बता दो? दोनों साइड के आगे पीछे पड़ जाएगा आपको 6000 रुपए का। ठीक है, और ये पीछे और आगे का 12000 रुपए का। ठीक है, और एक चीज और बता दो भाई, ये रूफ रेल अपनी? रूफ रेल 2600 रुपए। ठीक है, स्टीयरिंग कंट्रोल, क्रूज कंट्रोल, वो उस पे 10% डिस्काउंट है, यानी कि हो गए अपने 1500 रुपए। ठीक है, और अपना इनर हैंडल भाई? ये MRP पे 10% डिस्काउंट है। ठीक है, और फॉग लाइट अगर नॉर्मल वाले लगवा लें तो उस पे भी 10% डिस्काउंट है, तो 831 उस पे 10% कर लेंगे। और अभी जो कुछ सिलेक्टेड पार्ट्स है उस पे मैंने सुना है कि आप लोग 20% की भी प्लानिंग कर रहे हैं, कुछ कुछ आइटम पे दे देंगे 20% अगर हमारे पास आइएगा तो। ठीक है, तो वो देख लेंगे, क्योंकि जो संजीत मेरे से बात हुई थी हमारी कि कुछ सिलेक्टेड आइटम पे जो है ये 20% देगा। तो अब पीछे की तरफ आ जाते हैं, तो भाई ये पीछे की, अच्छा ये लगाइए भाई, ये भी लगाइए। तो रिफ्लेक्टर लाइट आप लोगों को क्लिप में डाल दूंगा, आप लोग देख लेना कैसी लगती है, क्योंकि हमने बहुत सारी कारों में इंस्टॉल करा है। एक चीज़ और बता देता हूँ, इसमें ये मोटी वाली बैक लाइट आती है, तो उसके साथ आप ये पीछे का अगर चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। गाड़ी भाई आई थी कहाँ से आई है संजीत भाई गाड़ी? अच्छा MH महाराष्ट्र से आई है भाई गाड़ी। तो एक बारी लाइट संजीत जो है हमको लोगों को चालू करके भी दिखाएगा, और ओवरऑल जो लुक आने वाला है वो आप लोग देख पाओगे इसके अंदर। नाइट का टाइम है, ज़्यादा चीज़ें जो है मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। एक बार भाई ब्रेक और रिवर्स लाइट इंडिकेटर सारी चीज़ चेक करा दो। यहाँ पे देख पाओगे कि भाई यहाँ पे जो है अपनी रिफ्लेक्टर लाइट चालू हो चुकी है, ये भी जो है ब्रेक के साथ अपना कॉम्बिनेशन चल रहा है, ये अपना इंडिकेटर आ चुका है जो कि रनिंग के अंदर रहता है मैट्रिक्स के अंदर। और अभी जो है इसमें रिवर्स लाइट भी आने वाली है, तो ये व्हाइट वाली जो पूरी लाइट है ये अपनी रिवर्स की रहती है, तो ये आप देख पाओगे किस तरीके की लगती है। भाई एक बार इंडिकेटर और देना, तो भाई ये जो है अपना इंडिकेटर आ चुका है। तो इस तरीके का जो है एक ही लाइट के अंदर रिवर्स भी है आपका, इंडिकेटर भी है, और बाकी जो मैंने रेड वाली आपको दिखाई उसमें पार्किंग भी और लाइट भी है।
अब चलते हैं भाई फ्रंट साइड पे, आप लोगों को मैं कोशिश करूंगा कि आईपीएच का थोड़ा सा थ्रो दिखाऊं। तो ये जो फर्स्ट वाला यू बन रहा है, ये वाला यू जो है, ये वाला अपना है यू आईपीएच का, और यहाँ पे आईपीएच अपना चालू हो चुका है। इस तरफ भी देख लेते हैं भाई, तो इस तरफ भी बहुत सही लग रहा है। फिटिंग वाइज अगर बात करो तो भाई कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे कंपनी की तरफ से आते हैं अपना फोक लाइट, वही वाली फोक लाइट है इसके अंदर। आईपीएच की थ्रो आप लोगों के सामने है भाई, नेक्स्ट लेवल जो है ब्राइटनेस हो चुकी है। और सारी छोटे गाड़ियों में आप लोगों ने ऑलरेडी ब्राइटनेस देखी है, इसकी ब्राइटनेस की क्लिप मैं जो है इंस्टॉल कर दूंगा इसके अंदर, आप लोग देख लेना। बट इसकी जितनी मैं दिखा सकता हूं उतना ज़रूर दिखाना चाहूंगा। अच्छा संजीत भाई एक चीज़ और बता दो, इसके अंदर अपना हाई बीम लो बीम कनेक्शन दे रखा है? वो स्विच हमने लगाया स्पेशल भैया का, रिकमेंडेड स्विच होना चाहिए क्योंकि फोक में हम जाएंगे ना। हाँ, तो खाली फोक लाइट जला सके, हेडलाइट ना जलाने की जरूरत पड़े। अच्छा मतलब हाई बीम के लिए, मतलब मैं कह रहा हूँ कि डिपर मारे तो हाई बीम लो बीम कनेक्शन दे दिया? नहीं भैया ने हेडलाइट के साथ नहीं करवाया। अच्छा नीचे के लिए? अच्छा अच्छा, जैसे हेडलाइट का तो कंपनी का कंपनी है। अच्छा हेडलाइट का मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, ठीक है। एक बार गोलू जो है वहाँ से दिखा रहा है, स्विच ऑन ऑफ करो भाई, रोड पर रिस्पॉन्स दिखाते हैं, ठीक है। इसको लेके चलते हैं भाई पीछे वाली गली में, जो कि पीछे देख पाओगे तो वहाँ पे जाके जो है आउटपुट आ जाएगा। तो अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ भाई, यहाँ पे जो है अपना SX वेरिएंट हमारे हाथ में है, और अभी क्या क्या कनेक्शन है इसके अंदर वो आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपका लो बीम ऑन होना है, तो ये मैंने अपना लो बीम ऑन करा जिसमें अपना फॉग लाइट ऑफ, अब दोबारा दिखाऊंगा, ये अपना सिर्फ हेडलाइट का लो बीम है, तो हेडलाइट का लो बीम भी आपको अच्छा खासा ब्राइट लग रहा होगा यहाँ पे। अभी मैं अपना आईपीएच ऑन करूंगा यहाँ पे, ये अपना आई पी एच ऑन हो गया, HID ने बूस्ट लिया और ये अपनी ऑन हो रही है पूरी फुल पावर, इसको ऑन होने देते हैं। अब ये अपनी फुल बूस्ट पे आ चुकी है। अब इसके अंदर जो एक नेक्स्ट लेवल वाला कनेक्शन है वो है कि यहाँ पे जो है अलग से स्विच दिया गया हाई बीम करने के लिए, बिकॉज अगर आप सिटी में लो बीम में ड्राइव कर रहे हो तो आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। अब ये जो है ये आई पी एच का हाई बीम है, आप देख पाओगे ये हाई गया, ये लो गया, ये हाई गया, ये लो गया, तो अगर आप चाहो तो इस तरीके से भी ड्राइव कर सकते हो। मैं सामने का पर्सपेक्टिव भी दिखाऊंगा कि सामने किस तरीके की लगती है गाड़ी आते हुए। इसको अगेन लो कर देते हैं, अब यहाँ से हाई बीम करते हैं अपना। अब ये जो है अपनी हेडलाइट की हाई बीम हो चुकी है, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये देख पाओगे सिर्फ हेडलाइट की हाई बीम और लो बीम है, और ये मैंने अपने फॉग लाइट ऑफ कर दिए। अब आप डिफरेंस देख पाओगे कि फॉग लाइट से कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। अब इसके अंदर जो है मैं अपना ऑन कर देता हूँ हाई बीम भी, अब आपको पता चलेगा कितना ज़्यादा डिफरेंस पड़ रहा है। देखो ये सिर्फ IPH का कमाल है अपनी, और ये आप लोगों के सामने पूरा का पूरा आउटपुट कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके आप लोगों ने बताना है। अब ये देखो, अब ये मैंने हेडलाइट भी हाई बीम कर दी। अब इस टाइम पे तो आपको हेडलाइट का हाई बीम समझ में ही नहीं आएगा क्योंकि ब्राइटनेस ही इतनी ज़्यादा हो गई है कि आप नोटिस नहीं कर पाओगे शायद से कि कितनी ज़्यादा ब्राइट लग रही है लाइट। अब नीचे से हाई बीम कनेक्शन है वो चीज़ हो चुकी है। अब यहाँ पे जो बाकी कनेक्शन है अपने वो ओरिजिनल रहते हैं, जैसे आपको अगर फॉग लाइट ऑफ करना है, यहाँ से आपने ऑफ़ करा, यहाँ से आपने ऑन करा। अब दिखा देता हूँ आपको, यह आपने ऑफ़ करा, यह आपने ऑन करा, यह आपने पूरी लाइट ऑफ करी तो सारी ऑफ हो गई, यह आपने फर्स्ट पॉइंट ऑन करा तो आपकी लो बीम ऑन हो गई, अगर आपका फॉग लाइट पहले से ऑन था तो वो ऑन ही रहेगा। अब मैंने ये ऑफ़ कर दी, यह आपने ऑफ़ करी, ये ऑफ हो गई, यह आपने ऑन करी, यह आपकी लो बीम ऑन करी हो गई, यह आपने फॉग लाइट ऑन करी, आपकी फॉग लाइट ऑन हो गई, और यह आपने मारा डिपर अपनी हेडलाइट का, ये आपका आया हेडलाइट का डिपर। और आपको अगर फॉग लाइट अपनी लो बीम पे करनी है तो नीचे से जो बटन दिया गया एक्स्ट्रा उससे आप लो बीम कर सकते हो। तो ये हो गई हाई बीम, और ये अपना हाई बीम इसका भी। एक बारी आपको बाहर से दिखा देता हूँ कि गाड़ी अपनी फुल लाइटनिंग पे कैसी लगती है, मतलब जब ये अपनी फुल लाइट्स पे होगी तो कैसी लगेगी, तो आप लोग देख पाओगे भाई। ये इस गाड़ी की फुल लाइट है और फुल ज़बरदस्त वाली लाइट आ रही है इसके अंदर से। अब आप लोगों को सामने ले जाकर दिखाता हूँ कि सामने से कैसा आता है। तो ये जो पहला निशान है ये IPH का है, ये यू जो बना हुआ है दोनों साइडों पे, ये वाला यू, ये भी अपना IPH का है, मतलब प्रोजेक्टर का है इसके अंदर, ताकि इसकी जो बीम है वो पता चल सके कि कहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से स्टार्ट होगी इस दोनों की बीम, और ऑल द वे जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है शायद से, तो पूरी जो गली है और ये गली की लेंथ होगी आराम से 100-150 मीटर से ऊपर, तो आराम से पूरी ब्राइटनेस रहती है। और अगर आप सामने से देखोगे तो सामने से भी ऐसा नहीं है कि सामने वाली गाड़ी की आंखों में लाइट चुभ रही हो या कुछ हो रहा हो। अभी दोनों लाइटें हाई बीम पे है, अब लाइटें कब चुभेगी अगर मैं इसकी लेन में आ जाऊं। अब मैं अगर इसकी बीम के अंदर आ चुका हूं, अब देख पाओगे ये वाली IPH की बीम के अंदर हूं मैं, और अब जैसे जैसे मैं इस गाड़ी की बीम के अंदर आऊँगा वैसे वैसे लाइट चुभनी स्टार्ट हो जाएगी। अब देख पाओगे कितनी चुभ रही है, कैमरा है जो रोड देख पा रहा है। अगर मैं अपनी आंखों से बात करूं, अगर मैं गाड़ी के अंदर हूं, मेरी गाड़ी में भी शीशा लगा हुआ है, तो शायद इतनी जल्दी मैं डिफरेंस ना कर पाऊं। बाकी ये जो बीम है, अगर आप गाड़ी की बीम के लेन में आ जाओगे तो लाइट ज़रूर चुभेगी, लेकिन अगर आप उससे बाहर चले जाओ, मतलब कि आप अपनी लेफ्ट लेन में ड्राइव कर रहे हो और गाड़ी राइट लेन से आ रही है, तो आप देख पाओगे
कि मैं अपनी लेफ्ट वाली लेन के अंदर हूँ और गाड़ी राइट वाली लेन में, तो कोई लाइट का जो है आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। बेशक उसकी लाइट जो है हाई बीम पे ऊपर भी है और हाई बीम पे नीचे भी है। तो ये रहता है भाई एक अच्छे तरीके से इंस्टॉलेशन होना और अच्छे तरीके से काम होने का डिफरेंस, और अदरवाइज जो बाकी जो जितनी भी लाइट्स है वो आप देख पाओगे कैसे तरीके की आ जाती है। ये था आज की वीडियो के लिए, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई है। मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब शेयर, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। और ये आई थी गाड़ी महाराष्ट्र से, आप सेम तरीके का काम चाहते हो तो बेस मॉडल में भी करवा सकते हो। अगर संजीत के पास आप आना चाहते हो, संजीत भाई कैसे आना आपके पास? कॉल करके आ सकते हैं। ठीक है, और कोई एड्रेस लोकेशन? लोकेशन अपना हनुमान मूर्ति पे है। ठीक है, मतलब ये पीछे देख पाओगे ये हनुमान मूर्ति है, और ये उतरते ही जो रोड उतर रही है, रोड उतरते ही ये वाली शॉप है भाई की। और भाई बाकी काम कर देते हैं, जैसा मैंने आप लोगों को बताया बेस मॉडल टॉप मॉडल किसी में भी लगवा सकते हो। और इसके अंदर भाई सस्ते वाले प्रोजेक्टर भी आते हैं? कोई सस्ते वाला भी आता है जिसके अंदर एलईडी इनबिल्ट होता है। ठीक है, वो कितने के आ जाते हैं भाई? वो 4200। ठीक है, मतलब ये जो है सबसे लास्ट है, ये इससे ऊपर कुछ नहीं है? इससे ऊपर कुछ नहीं है। तो ये था आज की वीडियो के लिए, मेक श्योर लाइक सब्सक्राइब, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में। ऐसे कर दो संजीत भाई, ऐसे।